हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2024 के स्टूडेंट हो तो यार जेई मेन 2024 का जनवरी सेशन देने वाले हो तो यार बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं, अलग अलग चीज़ सोचते हैं। तो यार लेस मार्क्स गुड परसेंटाइल, अब ये क्या है? तो भाई कभी कभी ना आपने सुना होगा, कोई बच्चा आपको बोलता होगा कि मेरे तो यार बहुत कम मार्क्स बन रहे थे पर मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ गई। तो ये कैसे होता है सर, मतलब कम मार्क्स पे अच्छे परसेंटाइल कैसे बन जाते हैं? तो देखो, मैंने आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, मैं आपको कुछ उदाहरण नीचे दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन सम स्टूडेंट, किसी को 70 मार्क्स पे 92 परसेंटाइल मिले, किसी को 85 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल मिले। तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल तो देख रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि यार ना जो आपकी परसेंटाइल होती है वो टोटली शिफ्ट पे डिपेंड करती है और शिफ्ट और डिफिकल्टी पे डिपेंड करती है एग्जाम की। देखो, कोई शिफ्ट अगर ईजी आई है, अगर कोई शिफ्ट इजी आई है तो उस शिफ्ट में जो है ना, जो टॉपर बच्चा भी होगा ना वो भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा और जो नॉर्मल बच्चा होगा वो भी ठीक स्कोर करेगा। तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है, परसेंटाइल घट जाती है, ठीक है। पर कोई शिफ्ट डिफिकल्ट आता है तो डिफिकल्ट शिफ्ट में एक टॉपर बच्चा भी जो होगा ना वो जो है कम मार्क्स स्कोर करेगा और जो एक नॉर्मल बच्चा होगा वो और कम स्कोर करेगा। तो इसीलिए कम मार्क्स पे जो है अच्छी परसेंटाइल बनने लगती है। तो इसीलिए इजी और डिफिकल्ट शिफ्ट का बहुत ज़्यादा रोल आता है। तो अगर आप किसी इजी शिफ्ट में हो तो समझो कि आपने ज़्यादा स्कोर किया है तो भी आपके परसेंटाइल कम हो सकते हैं, पर अगर आप किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में हो और उस शिफ्ट में जो है कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो एकदम अच्छा स्कोर कर पा रहा है, हाईएस्ट कम पे बन रहा है, तो आपकी अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। तो ये अब आपके हाथ में नहीं है, ये टोटली आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है कि आप किस शिफ्ट में जाओगे। पर आप पे क्या है, आप पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। तो मेहनत करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मत लो। अंकित सिंह को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।